हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आज आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंट के अंदर गिरावट देखने को मिली, काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पे फॉर्म होती हुई देखने को मिली। बट वो ये कि 35 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी मुश्किल था, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। एंड आज यहाँ पे आपको कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट आखिरी के कह सकते हैं आधे घंटे के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ और स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। और जिनके लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, लोअर सर्किट पे बंद नहीं हुआ है, बट यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग अब आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ट्राइडेंट में यहाँ पे जो गिरावट है वो कहाँ तक आपको जाती हुई देखने को मिलेगी, क्या खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं और कल का टारगेट क्या होगा। एंड फ्रेंड्स, एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, जो आपको 100 शेयर पे 400 शेयर देने जा रही है। क्या है ये बात, तो सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम दो कंपनीज के बारे बात करेंगे, एक ट्राइडेंट के बारे में और एक और ऐसी कंपनी है जो आपको 100 शेयर पे 400 शेयर देने जा रही है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट ने आज क्लोजिंग दी करीबन 32 रुपये 40 पैसे पे, 32 रुपये 30 पैसे 3:30 बजे का प्राइस है। और जब आपको एडजस्टेड प्राइस देखने को मिलता है तो वो करीबन यहाँ से 10 पैसे ऊपर है। तो लोअर सर्किट तो देखिए आपको स्टॉक में आज लगता हुआ देखने को नहीं मिला, बट कह सकते हैं जो तेज़ी थी वो आज खोता हुआ देखने को मिला। जो करीबन 5% ऊपर चल रहा था स्टॉक, 5% नीचे गया, फिर और 5% नीचे गया, यानी ऑलमोस्ट आपको एक दिन में 10% तक स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से गिरता हुआ देखने को मिल गया। अब ये गिरावट क्यों हुई, देखिए अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको यही कहा था कि 35 रुपीज़ एक मेजर हर्डल है। एंड अगर 35 रुपीज़ के ऊपर ये क्लोजिंग दे जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होएगी, जिसके कारण स्टॉक फिर 40 बहुत आसानी से मूव कर जाएगा। लेकिन आज दोस्तों आपको क्या देखने को मिला, 35 रुपये का लेवल पे स्टॉक को थोड़ा बहुत हर्डल फेस हुआ है। 35 रुपये के ऊपर तो निकल गया, बट वही के बाद क्लोजिंग क्या आती है तो वो क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिल पाई। एंड 35 रुपीज़ को जो एक हर्डल था, जिस जो क्लोजिंग में अगर हर्डल आज क्रॉस हो जाता तो आप मान के चलिए 40 रुपये तक ये स्टॉक को कोई रोकने वाला नहीं था, बट वो अभी आपको एक पॉज देखने को मिला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा कमाया है, एक महीने के अंदर 30%, एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज ही अगर हम तेज़ी या फिर गिरावट को हटा दूँ तो करीबन 17% के आसपास, 17 से 18% तक स्टॉक ने रिटर्न कमा के दिए। टोटल 34-35% के रिटर्न कमा के दिए एंड बढ़िया रिटर्न कमा के दिए। बट आज प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो अब क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है तो घबराना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आप यहाँ पे घबराएंगे तो कोई मतलब की बात नहीं है, बिकॉज देखिए स्टॉक के अंदर मामूली से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बात हो गई। यहाँ से स्टॉक वापस से बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करने वाला है और वो करके रहेगा, इसमें अनडाउटेडली कि स्टॉक के अंदर देखिए आपको आने वाले दिनों में फिर तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी जो देखने को मिल रहा है ये थोड़ा बहुत टाइम तक चल सकता है, यानी थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है एंड स्टॉक ऊपर नीचे आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो पॉजिटिव है कि आज आपको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को नहीं मिला। फ्रेंड्स, अगर लोअर सर्किट स्टॉक में नहीं लग रहा है तो उसका मतलब जो कल गैप डाउन के चांसेस थे वो थोड़े से रहेंगे जरूर गैप डाउन के, बट ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले। अब हमको वाइजली वॉच करना है कि स्टॉक 30 रुपीज़ का लेवल किस तरह से यहाँ पे आपको बचाता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज 30 रुपये मेजर सपोर्ट है एंड अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर वापस से देखिए वो 20s की लाइन में आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलेगा एंड फिर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी खबरें आपको आती हुई देखने को मिलती है, जैसे मैंने कहा कि कल सरकार ने काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया कि टेक्सटाइल के लिए काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा पैसा 4,445 करोड़ रुपये देखिए सरकार खर्च करने जा रही है। एंड अब आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहना है कि स्टॉक के अंदर जो तेज़ी है वो आगे भी बनी रहेगी, बिकॉज ये जो तेज़ी है फ्रेंड्स यहाँ पे और क्यों बनेगी, सबसे बड़ा मेन रीज़न देखिए मुझे लगता है जिस तेज़ी का, कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर जो हमको हर्डल्स देखने को मिलते थे वो हर्डल्स काफ़ी बढ़िया क्रॉस हुए। आज मेजर जो चीज़ थी वो थी वॉल्यूम्स, बिकॉज आज आपको देखने को मिलेगा काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक में ट्रेडिंग हो पा रही थी, ऑलमोस्ट आपको अपर सर्किट में काम करता हुआ देखने को मिल रहा था लेकिन आज ट्रेडिंग हो पा रही थी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि आज पहली बार आपको इतने दिनों बाद कि मेजरली वॉल्यूम्स आती हुई देखने को मिली। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो आज मैसिव शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, 15 करोड़ शेयर्स आपको आज
ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं, 15 करोड़ 70 लाख के आसपास ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिली है। एंड 3 बजे तक का जो डेटा निकल के आया उसमें आप देखेंगे मोर देन 38% के आसपास डिलीवरी है। 32.30 का देखिए लोअर सर्किट था, बट वो जैसे मैंने कहा कि 10 पैसे आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। इस समय तो देखिए लोअर सर्किट लग गया था, बट वो प्राइस एडजस्ट के कारण 32.40 पे क्लोजिंग दिया है। बट अब यहाँ से आगे क्या करना है, देखिए मुझे लगता है कि गिरावट हमको देखना होगा कल, बिकॉज अगर यहाँ से 30 रुपीज़ का लेवल ब्रेक होगा तो देखिए दिक्कतें थोड़ी सी बनेगी। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके हो सकता है कि कल भी आपको एक बार गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद वापस से पकड़िएगा, बिकॉज इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है और ये आराम से देखिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक कंपनी की तरफ से देखिए रिजल्ट्स के बारे में कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, जो एक बात है कि यहाँ पे आप अगर डेट का वेट कर रहे हैं तो अभी तक कंपनी की तरफ से तो देखिए Q2 के बारे में कोई भी ऐसा बातें नहीं की गई है। हमको देखना होगा Q2 रिजल्ट कब निकल के आते हैं, बट रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल के आएंगे। एंड जिस तरह से अब सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ध्यान दे रही है, मेरी सलाह यही है ट्राइडेंट को बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा। लेने के बारे में सोचना है तो वो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं। अगर ये आपको 30 रुपये के आसपास मिले तो मैं यही कहूँगा डेफिनेटली बाइंग कर लीजिएगा, स्टॉक फिर से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इस बार होप्स हो कि आपको 40 रुपये का लेवल भी क्रॉस होता हुआ देखने को मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे तेज़ी तो है और तेज़ी इंटैक्ट ही रहने वाली है। तो अब बात करूँ कल की, तो कल मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक में जो गिरावट है वो कल भी कायम रहती हुई देखने को मिल सकती है। कल का लोअर सर्किट पे मुझे लगता है कि आपको स्टॉक अगर जाता है, चांसेस इसके बन रहे हैं अभी तो जाने दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मंडे को बाइंग के बारे में सोचिएगा, कल बाइंग मत करिए। कल तो देखिए गिरावट डेफिनेटली बनेगी, बट अगर कल रिवर्सल आता है तो वो मुझे लगता है कि रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आ भी जाता है तो स्टॉक 35 रुपीज़ के लेवल को काट नहीं पाएगा, तो यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच रखिए, मंडे को बाइंग के बारे में सोचिएगा। कल गिरावट बन सकती है डेफिनेटली ट्राइडेंट के अंदर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जो आपको 100 शेयर अगर आप उस कंपनी के होल्ड करते हैं तो आपको 400 शेयर देने जा रही है। डी मर्जर होने जा रहा है इस कंपनी का और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। सो फ्रेंड्स, कंपनी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड। पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है, कंपनी अपने आप को डी मर्ज करवाने वाली है। डी मर्ज होने वाला है दोस्तों पिरामल इंटरप्राइजेस का, एंड ये कंपनी बढ़िया करने वाली है डी मर्जर के बाद वैल्यूएशन अनलॉकिंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप डी मर्जर का सुने किसी भी कंपनी के अंदर तो आप समझ के चलिए कि उसकी वैल्यूएशन अनलॉकिंग के ऊपर कंपनी का मैनेजमेंट विचार कर रहा है, और ये विचार दोस्तों बिल्कुल अब कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी की तरफ से डी मर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब क्या खास बात है पिरामल इंटरप्राइजेस के डी मर्जर के बारे में? सो फ्रेंड्स देखिए, पिरामल अप्रूव्स डी मर्जर ऑफ फार्मा बिजनेस टू अनलॉक वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए पिरामल इंटरप्राइजेस ने अप्रूव कर दिया है कि वो अपने फार्मा बिजनेस को अलग करेंगे अपने आप से, ताकि जो वैल्यूएशन अनलॉकिंग है वो हो सके उनके शेयर होल्डर्स के लिए। और इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर अगर वो इस कंपनी का होल्ड करते हैं तो उनको 4 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए, पिरामल सेट द इन्वेस्टर्स विल गेट 4 equity shares ऑफ फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ₹10 इन PPL फॉर एवरी 1 share हेल्ड इन PEL। PPL क्या होगा? पिरामल फार्मा लिमिटेड। अब वो देखना होगा PPL क्या होता है। तो पोस्ट द मर्जर PPL विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज लिस्टेड ऑन द NSE एंड BSE। तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी खबर है, यानी आपके पास पिरामल इंटरप्राइजेस के तो शेयर्स रहेंगे रहेंगे, लेकिन आपके पास 4 शेयर आ जाएंगे PPL के। PPL यानी पिरामल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो भी देखिए नाम रखा जाएगा। बट इंपॉर्टेंटली क्या है, ये कंपनी दोस्तों बहुत बढ़िया करने जा रही है और इसका स्टॉक भी अब आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया काम करेगा, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा पिरामल इंटरप्राइजेस अपने आप में एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो लगातार शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करके गई है। एंड यहाँ से जब कंपनी खुद कह रही है कि हम वैल्यूएशन अनलॉकिंग के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, तो फिर आप समझ के चलिए बहुत बढ़िया होने वाला है। लास्ट 6 मंथ में 60% के रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 119% के रिटर्न, एंड मैक्स रिटर्न्स तो देखिए यहाँ पे करीबन 5000% के आसपास रिटर्न कमा के दिया गया है। तो ये अपने आप में देखिए बहुत बढ़िया, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आगे भी स्ट्रांग ही करेगी। एंड अब आपको देखने को मिलेगा जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो फिर वो और ज़्यादा बढ़िया करने वाली है। तो बिल्कुल बने रहिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी चालू होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।